गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज से इस चैनल पर कक्षा 12 की केमिस्ट्री और बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभास क्या है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। चूंकि हमसे पूछ रहा है मोल प्रभास ग्लूकोज का, बच्चों आप लोग जानते होंगे जो सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विलेय या हम इसको सॉल्यूट कहते हैं। बच्चों ये हमसे पूछ रहा है मोल प्रभास किसका, विलेय का। तो हम जानते हैं मोल प्रभास विलेय का क्या होता है, X2 बराबर होता है N2/N1+N2। N2 क्या है, ये मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट। और N1 क्या होता है, N1 होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब हमको विलेय के मोल चाहिए तो N2 बराबर हो जाएगा W2/M2। W2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.8 ग्राम और ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट 180 होता है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मोल आएगा 0.01। अब हम निकालेंगे मोल जो है विलायक का कितना होगा, W1/M1। चूंकि हमें W1 दिया है 90 ग्राम जल और वाटर का मॉलिकुलर वेट 18 होता है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 मोल आएगा विलायक का। तो बच्चों X2 बराबर हो जाएगा 0.01/5+0.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 0.0019। तो बच्चों ग्लूकोज का मोल प्रभास कितना है, ग्लूकोज का मोल प्रभास है 0.0019। ये आपका आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। पूछ रहा है 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभास क्या है। चूंकि बच्चों हम जानते हैं मोलल्टी इज इक्वल टू होता है 1000 × X2/X1 × M1, और हम ये भी जानते हैं X1+X2 इज इक्वल टू होता है 1। बच्चों हमें मोलल्टी दिया हुआ है 1, तो हम इसको पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू 1000 × X2। बच्चों इसमें हम दो अननोन लेके नहीं चल सकते, इसलिए हम X1 को रिप्लेस कर देंगे 1 − X2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनटू M1। चूंकि वाटर है जलीय विलयन तो हम जानते हैं वाटर का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 18 − 18 X2 = 1000 X2। अब आ जाएगा X2 = 18/1018, चूंकि ये इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0176। तो जो मोल प्रभास होगा विलेय का वो कितना आएगा, 0.0176, ये आंसर है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन की मोलल्टी क्या होगी। ये क्वेश्चन बच्चों 2018 में पूछा गया है। चूंकि हम जानते हैं मोलल्टी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे कहते हैं मोलल्टी। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, विलायक बच्चों, और जो सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय। चूंकि हमसे मोलल्टी पूछ रहा है तो मोलल्टी बराबर होता है N2/W1 ग्राम में × 1000। चूंकि बच्चों हम जानते हैं N2 क्या है, N2 मोल है विलेय का, तो N2 बराबर होता है W2/M2। W2 हमको दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट होता है 180। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1। अब हम इसको इसमें रखेंगे, 0.1 × 1000 अपॉन जो विलायक है वो कितने ग्राम है, वो 1000 है, तो इसकी मोलल्टी कितनी होगी, 0.1 होगी। तो हमारा आंसर जो होगा M=0.1 मोलर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि स्प्रिट के एक नमूने में एथेनॉल 90% वेट वाई वेट है, तो एथेनॉल का मोल प्रभास क्या होगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। बच्चों जो ये 90% वेट बाई वेट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 90 ग्राम जो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल है वो प्रेजेंट है किसमें, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सोलूशन में। अब हमको पता चल गया है कि ये एथिल अल्कोहल किसका काम कर रहा है, ये विलायक का काम कर रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है एथेनॉल का मोल प्रभास क्या होगा। तो XA=NA/NA+NB। चूंकि एथेनॉल किसका, विलायक का काम कर रहा है, इसलिए हम XA निकालेंगे। XA होता है मोल, मोल प्रभाज किसका, मोल प्रभाज होता है विलायक का, विलायक का बराबर होता है W1/M1। चूंकि W1 हमें पता है कितना है 90 ग्राम, और एथिल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 46, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.95। अब हम निकालेंगे NV=W2/M2। चूंकि ये जो एथिल अल्कोहल है 90 ग्राम अकेले है, तो W2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 ग्राम/18 वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.55। अब हम इसको यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हो जाएगा 1.95 अपॉन 1.95 प्लस 0.55। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.78। ये होगा क्या, मोल प्रभास विलायक का। चूंकि बच्चों हमसे पूछ भी रहा है मोल प्रभास विलायक का क्या होगा, तो XA बराबर होगा 0.78, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2014, 16, 17, 22 चार सालों में पूछा गया है। बच्चों जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम/ml। चूंकि हमसे मोलरता पूछ रहा है तो मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वैल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। बच्चों अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। चूंकि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम/ml होती है, 1 ग्राम है कितने में, 1 ml में, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 1 ग्राम/18। और वैल्यूम जो होगा सोल्यूशन का, वैल्यूम जो होगा सोल्यूशन का, चूंकि 1 ग्राम/1 ml में है तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें, 1 ml/1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोलरिटी, मोलरिटी बराबर हो जाएगा, अब हम इसमें नंबर ऑफ मोल पुट अप करेंगे, इनटू वैल्यूम ऑफ द सोल्यूशन।
जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 55.55। ये क्या है? ये मोलरिटी है शुद्ध जल की। बच्चों इन 5 क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे का पार्ट हम कल आपको सॉल्व कराएंगे। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।